नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं सिंगल कलर का एक खूबसूरत सा डिज़ाइन लाई हूँ, जिसे आप बच्चों के स्वेटर में, जेंट्स स्वेटर में, लेडीज़ कार्डिगन में, चाहे किसी भी मनचाहे प्रोजेक्ट में बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमें 4 के मल्टीपल फंदे चाहिए और 1 फंदा एक्स्ट्रा। ऐसे 4-4 फंदे हम गिने तो लास्ट में 1 फंदा बचना चाहिए। तो डिज़ाइन बताने से पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम डिज़ाइन बनाते हैं। तो बॉर्डर बनाने के बाद ये डिज़ाइन का पहला लाइन है और सामने से है। तो पहला फंदा हम सीधा बुन लेंगे, उनको अपनी ओर करेंगे 3 फंदा उल्टा, 1, 2, 3। उन दूसरी ओर करेंगे अगला फंदा सीधा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें पूरी लाइन में दोहराना है। 3 फंदा उल्टा, 1 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 1 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर 1 फंदा सीधा। सेकेंड रो और रॉन्ग साइड। तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे 3 फंदा सीधा है, इन्हें हम सीधा बुन लेंगे, उन अपनी ओर 1 फंदा उल्टा। तो पहला फंदा एज स्टिच है और इन्हीं 4 फंदों को हमें दोहराना है। उन दूसरी ओर 3 फंदा सीधा, उन अपनी ओर 1 फंदा उल्टा। फंदा सीधा और 1 फंदा उल्टा। तो इस तरह हमारा दूसरा लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिजाइन का तीसरा लाइन है और सामने से। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसे हम स्लिप कर लेंगे, उन अपनी ओर करेंगे 3 फंदे उल्टे हैं, उन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। देखिए सीधे वाले लाइन में 2 लाइन नीचे आएंगे और 1 लूप निकालेंगे। अब फिर सीधे वाले फंदे को बुन लेंगे, फिर पहले वाले जगह से 1 और लूप निकालेंगे। तो हमने 1 से 3 फंदे बना लिए। अब उन अपनी ओर करेंगे और 3 उल्टे फंदे हैं, जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे, 1, 2, 3। उन दूसरी ओर फिर 2 लाइन नीचे आएंगे और 1 लूप निकालेंगे। फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर इसी जगह से 1 और लूप निकालेंगे। तो हमने फंदे बना लिए, उन अपनी ओर करेंगे, फिर 3 फंदा उल्टा, उन दूसरी ओर। देखिए ये सीधा फंदा है तो 2 लाइन नीचे आएंगे और यहाँ से 1 लूप निकालेंगे। तो ये 1 फंदा हो गया। अब सीधे वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे और फिर 2 लाइन नीचे आएंगे और फिर यहीं से 1 और लूप निकालेंगे। तो ये हमारे 1 फंदे से 3 फंदे बन गए, यानी 2 फंदा अधिक हो गया, हमने 2 फंदा बढ़ा लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे 3 फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है, उसे हम सीधा बुन लेंगे। अब ये डिजाइन का चौथा लाइन है और तो 3 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। पहला फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर 2 फंदा उल्टा। अब देखिए ये सीधा वाला फंदा है, यानी इधर से हमने उल्टा बुना था, तो ये तीसरा फंदा है, इसको लेंगे और जो हमने 1 से 3 किया है इससे 1 फंदा लेंगे और दोनों को ऐसे लेके हम ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए ये सीधा वाला फंदा जो हमने लूप निकाला था वो ऊपर आ गया, इन दोनों को एक साथ लेंगे, 1 उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर
एक फंदा उल्टा। अब तीसरे फंदे को हमने जो फंदा यहाँ से नीचे से लिया था उसमें का ये तीसरा फंदा और ये सीधे फंदे में से एक फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। फिर इस सीधे फंदे को भी हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए ये तीसरा सीधा फंदा और ये एक से तीन किए गए फंदों में से एक फंदा, हमने यहाँ पे दो फंदे बढ़ाए थे तो एक फंदे इस साइड में घट जाएगा और एक फंदा इस साइड में घट जाएगा। दो दो फंदों को हम एक साथ लेके उल्टा बुनेंगे तो एक फंदा यहाँ पे घटेगा और एक फंदा यहाँ पे घटेगा। अब इसको हमें सीधा करना है ताकि ये लूप वाला फंदा ऊपर की तरफ आ जाए, तो इसको हम लेंगे और पीछे की तरफ से ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए लूप वाला फंदा ऊपर आ गया। अब दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा फंदा बना लेंगे, बीच वाला फंदा इसे हम उल्टा बना लेंगे। और अब ये तीसरा फंदा और सीधे फंदे में से एक फंदा, देखिए यहाँ से तीन फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं तो पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और एक उल्टा फंदा बना लेंगे। बीच वाला फंदा इसे भी उल्टा बना लेंगे। चौथी लाइन में सभी फंदे उल्टे बनाए जा रहे हैं। अब देखिए ये फंदा और हमने जो तीन फंदा किया था उसमें से एक फंदा इन, और अब हमें लूप को ऊपर करना है तो इसके लिए इसे दाहिनी सिलाई में लेंगे और बाएं सिलाई को ऐसे पीछे की तरफ से डाल के और इसे पलट देंगे। अब देखिए लूप वाला फंदा ऊपर आ गया है। अब इन दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुन लेंगे, दो का एक कर लिया। बीच वाला फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए ये तीसरा फंदा और ये सीधे फंदे में से पहला फंदा, इन दोनों को एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए दो का एक कर लेंगे। अब शेष तीन फंदे बचे हैं जिन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। तो इस तरह हमारा ये चौथा लाइन कंप्लीट होता है। अब ये डिजाइन का पांचवा लाइन है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब पहले फंदे को हम स्लिप कर लेंगे, दूसरे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए ये इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब देखिए इन तीन फंदों में हमने डिजाइन बनाया था तो उन अपनी ओर करेंगे और इन तीन फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे, एक दो तीन। अब ये बीच का जो फंदा बचा है वो सीधा फंदा हो जाएगा और ये डिजाइन वाला फंदा इसे हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए ये बीच का फंदा है तो इसे हम सीधा बुनेंगे और डिजाइन वाला फंदा इसे उल्टा, तो फिर हमारा तीन फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा हो जाता है। डिजाइन वाले फंदों को हम उल्टा बुनेंगे और बीच का एक फंदा जो बच गया था उसे हम सीधा बुनेंगे, यानी डिजाइन दो फंदा आगे बढ़ गया। पहली लाइन में हमने पहला फंदा स्लिप किया था फिर तीन फंदा उल्टा, यहाँ पे हमने पहली लाइन में पहला फंदा स्लिप किया, एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, दो फंदा बनाने के बाद फिर तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा, तीन फंदा उल्टा एक फंदा सीधा। अब देखिए लास्ट में तीन फंदे बचे हैं, तीन फंदा हमने उल्टा बुना यानी ये फंदा हमारा सीधा हो जाएगा, फिर अगला फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बुनेंगे। अब रॉन्ग साइड से जो फंदे सीधे दिखाई दे रहे हैं उसे सीधा बुन लेंगे और जो फंदा उल्टा दिखाई दे रहा है उसे उल्टा बुन लेंगे। तो हमने सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए छठा लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये डिजाइन का सातवां लाइन है और सामने से, तो पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, अगला फंदा उल्टा फंदा है उसे हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए ये सीधा फंदा है तो हम दो लाइन नीचे आएंगे, एक दो और तीसरे वाले छेद से एक सीधा फंदा बना लेंगे। ये हमने लूप लिया, थोड़ा सा लंबा रखेंगे, अगले वाले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। अब फिर तीसरे यहीं से हम एक और लूप निकालेंगे, तो हमने एक फंदे से तीन फंदा बना लिया। अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन फंदे उल्टे दिखाई दे रहे हैं जिसे हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब देखिए सीधा वाला फंदा है तो
एक दो दो लाइन नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए उल्टे फंदे के ऊपर जो छेद दिखाई दे रहा है यहाँ पे हम सिलाई डालेंगे, एक लूप निकालेंगे, फिर सीधे वाले फंदे को सीधा बना लेंगे, फिर तीसरा फंदा हम नीचे से बनाएंगे। तो हमने एक से तीन फंदे बना लिए, अब उन अपनी ओर करेंगे और तीन उल्टे फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे उन दूसरी ओर। अब सीधे फंदे में से हमें एक से तीन फंदा बनाना है, एक फंदा नीचे से, फिर ऊपर से और फिर नीचे से। तो एक से हमने तीन फंदे बना लिए उन अपनी ओर, तीन फंदा उल्टा। अब देखिए फिर ये सीधा फंदा है तो यहाँ पे हमें तीन फंदे बनाने हैं, दो फंदा नीचे से, पहला फंदा नीचे से, फिर सिलाई वाले फंदे से, फिर नीचे से। तो तीन से हमने तीन फंदे बना लिए उन अपनी ओर, एक फंदा उल्टा और लास्ट फंदा एज स्टिच है इसे हम सीधा बना लेंगे। तो इस तरह हमारा सातवां लाइन कंप्लीट होता है। डिज़ाइन का आठवां लाइन और रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा स्लिप कर लेंगे। अब देखिए ये सीधा फंदा है इसे लेंगे और एक से तीन किए गए फंदे में से एक फंदा लेंगे और इसे ऐसे पलट लेंगे। अब देखिए ये फंदा ऊपर की तरफ आ गया है, अब इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे, बीच वाला फंदा इसे उल्टा बुनेंगे और अब ये तीसरा फंदा और सीधे फंदे में से एक फंदा इसे हम लेंगे और इन दोनों को एक साथ लेके एक उल्टा फंदा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने तीन फंदे बनाए थे, एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे, तो यहाँ पे हमने तीन फंदे, एक फंदे से तीन फंदे बनाए थे, एक फंदा इस फंदे के साथ और एक फंदा इस फंदे के साथ, दो फंदा घट गया यानी जितना था वापस उतना फंदा रह गया। अब देखिए ये बीच वाला फंदा है इसे हम उल्टा बना लेंगे। अब सीधे फंदे में से ये तीसरा फंदा और ये हमने एक से तीन बनाया था इसमें से एक फंदा लेंगे और इसे पलट लेंगे। अब देखिए लूप हमारा ऊपर आ गया है, इन दोनों को एक साथ लेंगे, एक उल्टा फंदा बना लेंगे, बीच वाला फंदा उल्टा, फिर दो फंदों को लेंगे और यहाँ पे दो का एक कर लेंगे, यहाँ पे हमारे तीन फंदे से वापस तीन फंदे हो गए, फिर एक फंदा उल्टा। इस लाइन में जितने फंदे बढ़े थे वापस उतने घट गए, जितने फंदे थे वापस उतने ही फंदे हो गए और इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से डिजाइन बनता चला जाएगा। तो इन्हीं आठों लाइनों को दोहराने से ये खूबसूरत सा पैटर्न बनता चला जाएगा। देखिए सामने से ये ऐसा दिखाई दे रहा है और पीछे से ऐसा, आशा है आपको डिज़ाइन अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको डिज़ाइन अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत